हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जिज्ञासा के इस यूट्यूब चैनल पर, आपका अपना परिवार, जहां पर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं और होते चले जाएंगे। जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप सभी लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर होते जाएंगे, जहां जहां कमियां होंगी उसको दूर करते जाएंगे। और इस समय हम सभी लोगों का टारगेट बस यही है, जेपीएससी प्री क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं महाविजय सीरीज की, जिसमें कि आपको मैं जनरल साइंस का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसके लिए मैं आपको तैयार करने वाला हूँ। तो ठीक है, सब लोग एक बार बताइए कि ऑडियो और वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके ना? फटाफट आंसर कर देंगे एक बार। आप सभी लोग को बस एक ही आंसर करना है कि इस बार हम लोगों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है? ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर होने के बाद, तो क्या आप सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं? तो आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन, इसके साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। यूं ही दुनिया नगमे कहाँ सुनाती है, यूं ही किसी को ताज कहाँ पहनाती है, यूं ही कोई एलन मस्क कहाँ बन जाता है, कामयाबी उसे ही सेहरा पहनाती है जिसके इरादे मजबूत और मेहनत में जिसके सच्चा दम होता है। तो बताइए, आप अपने इरादों को मजबूत किए हुए हैं ना? मेहनत करने में कोई कमी तो नहीं रख रहे हैं? आपके जोश जुनून जज्बे में कोई कमी तो नहीं है? सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब। और आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। सभी को हमेशा बस यही याद रखना है कि लक्ष्य ही हमारा क्या है, लक्ष्य ही हमारा इस समय एक ही होना चाहिए कि लक्ष्य ही हमारा है बस, जीवन, खाना, पीना, सोना, बस वही लक्ष्य है हमारा, ठीक है? 17 मार्च एग्जाम क्लियर करना है। ओके, तो सभी को जय जोहार, जय झारखंड, वेलकम टू जेपीएससी। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, इसी बात के साथ हम लोग आपके आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और जेपीएससी प्री में आपको टारगेट जो दिया गया है कि आप सभी को जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते चलिए, चाहे वो ऐप पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आपका सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। मीन्स कोई भी क्लास छोड़िए नहीं, अपने आप को रेगुलर रखिए, ठीक है? अब हर घर होगा अधिकारी, ये है हमारी जिम्मेदारी। और एक बार बस आप इतना बता दो कि हाउ द जोश, फटाफट एक बार आप सब लोग बता दो, हाउ द जोश? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस, रोशन, अरवी, रिजवाना, सुहाना, बरखा, सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड इवनिंग, यस। एक बार बताएंगे कि हाउ द जोश, यस, जोश इज हाई ना? जोश को हाई रखना है, जोश जुनून जज्बे के साथ आपको हमेशा मिलना है, ठीक है? तो आपने यदि अभी तक जिज्ञासा लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर करेंगे, और जो भी आपका पसंदीदा बैच होगा उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, उससे आप सभी लोग अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? यस, ओके। तो यहाँ पर लक्ष्मण हंसदा स्वागत है, सरिता स्वागत है। लक्ष्मण, आप पेड बैच में हो ना? आज आपने क्लास करी है ना? मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन से बैचेस अवेलेबल हैं। तो जेपीएससी प्री के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड जो है वो आपके लिए अवेलेबल है मात्र 99 रुपए में। इसके अलावा आप यदि रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए होगा, वो मात्र 399 रुपए है, ठीक है? जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच सभी एग्जाम्स के लिए, आपके स्टेट पीएससी से लेकर कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस आता है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना? वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और कंप्यूटर जो कि आजकल के एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, वो मात्र 399 रुपये में आपको क्लियर कराया जा रहा है। झारखंड जीके जीएस जो कि झारखंड के सभी एग्जाम्स की आन बान शान है, ठीक है? तो लक्ष्मण, कैसी लगी थी आपको आज क्लास? कितना आपने बढ़िया से सीखा, चीजों को कवर किया, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो कल हम लोग करेंगे और कुछ नई चीजों को भी ऐड करेंगे। और इसी के साथ साथ आपका प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी है जो कि मात्र 349 रुपये में मिलता है। तो आज ही आप क्या करिए, अभी तो ऑफलाइन क्लास नहीं है, अभी तो ऑनलाइन क्लास ही आपको दे पा रहे हैं, ठीक है? इतना ही आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, बस इसी से आपको एग्जाम क्लियर करना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और यदि केवल पेपर फर्स्ट के लिए आप पढ़ रहे हैं तो 699 रुपये में आपको पेपर फर्स्ट मिलता है, ठीक है? हाँ, पेड कोर्स लिए हैं, बहुत बढ़िया। तो कैसी रही आपकी आज की क्लास? और ये आपका शेड्यूल है जो फाउंडेशन बैच चल रहा है पर उसका ये शेड्यूल है जिसमें कि सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10:30 बजे तक क्लास होती रहेगी। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग टाइम पर अलग अलग फैकल्टी के द्वारा, जो कि रिलेवेंट फैकल्टी होंगे, जो कि उसी सब्जेक्ट को वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनका एक्सपर्टाइजेशन है उस सब्जेक्ट में, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। और 9 बजे सुबह इस समय मेरी क्लास हो रही है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, जो कि आज से स्टार्ट हुई है, पहले क्लास हुई है। तो आप बताइए, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, है ना? चलिए, तो आप सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं?
पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाया जाए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। फटाफट क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आपको। मैंने हर एक एग्जाम के साइंस की चीजों को प्रैक्टिस कराई है, तो आप परेशान ना होइएगा कि जेपीएससी में साइंस क्या आएगा, बिल्कुल आप लोगों के रेंज में आएगा, बिल्कुल आप सब लोग उसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो जब भी बात आएगी फोटोग्राफी की, तो हमको तीन चार चीजें याद रखनी होती हैं। क्या याद रखना है कि यदि हमसे पूछता है कि किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग प्रयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और किसका प्रयोग करते हैं? एक होता है हाइपो, जिसको आप बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। ये एक प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। और किसका प्रयोग करते हैं? एक आप प्रयोग करते हैं सोडियम थायोसल्फेट, एक आप किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट, एक आप किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड नंबर पर आप प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका यूज करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आप फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। एसिटिक नहीं, यहां पर हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का। बी पार्ट आंसर करेंगे, बी पार्ट इज द राइट, है ना, बी पार्ट इज द राइट, डी नहीं, बी, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछ लूं कि फॉर्मिक अम्ल कहां मिलता है, तो जो डंक होंगे, स्टिंग होंगे, चाहे चींटी का डंक हो, चाहे वो आपका बर्रे का डंक हो, मधुमक्खी का डंक हो, उससे आपके शरीर में या आप ये बॉडी में कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल हमको मिलता है टमाटर में, और कहां मिलता है? ये हमको मिलता है पालक में, ठीक है। साइट्रिक अम्ल हम लोग कहां मिलेगा? साइट्रिक अम्ल हमको मिलता है खट्टे फलों में, नींबू वंश के फलों में। और एसिटिक अम्ल हमको मिलता है सिरके में या फिर विनेगर में, सिरके में या फिर कहां मिलता है? विनेगर में मिलता है, ठीक है। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है, ओके। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट क्वेश्चन को देखिएगा और बेहतरीन आंसर कर जाइएगा। फटाफट देखिएगा क्वेश्चन को और बेहतरीन आंसर कर जाइएगा। आप सभी लोगों को बस अब राइट राइट करते चलना है, आपको केवल केवल राइट की ओर आंसर करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं, मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं इसको, वेरी गुड। सब लोग लाइक करते चलेंगे, सेशन को शेयर भी करते चलेंगे, मुझे कहना ना पड़े आप सभी लोगों से, ये कुछ काम है जो आपको हमेशा करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, है ना। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका बिल्कुल सही आंसर करने वाले हैं। यदि पेयर्स की बात की जा रही है तो 12 है, टोटल कितने हो जाते हैं? 24। तो आंसर विल बी द ए पार्ट, है ना, आंसर विल बी द ए पार्ट, यानी कि 12, ठीक है ना, 12 हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक अंडज स्तनी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवीपेरस मैमल। देखिए क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, वो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं और स्तनपान कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो अंडे देते हैं, और उन अंडों से क्या होता है, उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो आपको दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि कौन है जो ओवीपेरस मैमल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, कंगारू, बैट, स्लॉथ एंड डकबिल प्लेटिपस। तो यहां पर यदि आप आंसर कर रहे हैं थर्ड का डी, तो बेहतरीन कर रहे हैं, डकबिल प्लेटिपस को राइट आंसर कर लेंगे, डकबिल प्लेटिपस, ओके, बहुत बढ़िया, डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या डकबिल प्लेटिपस के अलावा कोई और भी है? डकबिल प्लेटिपस के अलावा क्या कोई और भी है? क्या आप मुझे इसका और आंसर करेंगे? कंगारू जो है ये आपका क्या करता है, कंगारू जो है ये आपका ये बच्चे को ही जन्म देता है। बैट भी आपको बैट भी जो होगा बच्चे को जन्म देगा, स्लॉथ भी जो है बच्चे को जन्म देगा। लेकिन जो डकबिल प्लेटिपस है ये किसको जन्म देता है? ये बच्चे को जन्म नहीं देकर ये अंडे देता है, और उस अंडे से बच्चे निकलते हैं, ठीक है, डी पार्ट। इसके अलावा कोई आपके लिए, डकबिल प्लेटिपस के अलावा कोई आपका और क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है क्या? सभी लोग बताइए, डकबिल प्लेटिपस तो मैंने कर लिया। तो देखिए, जो क्या करते हैं, जो अंडे देते हैं, ऐसे मैमल्स को हम लोग बोलते हैं मोनोट्रीम्स। क्या बोलते हैं? मोनोट्रीम्स बोलते हैं। और मोनोट्रीम्स की जो है 5 प्रजातियां बची हुई हैं। मोनोट्रीम्स की कितनी प्रजातियां हैं? 5 प्रजातियां हैं, है ना। उसमें एक डकबिल प्लेटिपस है। हाँ जी ऋषभ, अभी तो आप इतना ही ध्यान दीजिए कि ऑक्जेलिक अम्ल को हम लोग
सही आंसर मान रहे हैं, यदि कहीं कुछ दिक्कत होती है तो मैं और देख लूंगा इसको, ठीक है, अभी तो आप बस इतना ही मान लीजिए, ठीक है। ओके, डकविल प्लैटिपस के अलावा कोई और भी आंसर आपका, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर हमारे रीजनिंग की आन बान शान और हमारे जिज्ञासा परिवार की भीष्म पितामह आनंद सर का सब लोग करेंगे स्वागत, देंगे उनको हार्ट और उनका प्राप्त करेंगे आशीर्वाद, क्योंकि उनकी जो भूमिका है वो आपकी यहाँ पर जेपीएससी बैच में एक मेंटर की है, जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, जो आपको सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे, बिल्कुल है ना। यहाँ पर एकिडना को आपने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, एकिडना इज राइट, है ना, एकिडना आल्सो इज अ ओवीपेरस मैमल, ओवीपेरस मैमल, ठीक है, एकिडना, तो ई सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सभी लोग आनंद सर के लिए कम से कम सेशन को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें और जल्दी से 100 पहुंचाएं। एकिडना, तो एकिडना और डक्विल प्लैटिपस ऐसे दो मैमल हैं जो अंडों को जन्म देते हैं, अंडों को जन्म देते हैं। यहां पर देखिए ये क्या है, ये है आपका एकिडना और ये क्या है आपका डकविल प्लैटिपस, है ना, ये क्या हो जाता है डकविल प्लैटिपस हो जाता है। क्या किसी को कोई दिक्कत, आसानी से कर लेंगे, डकविल प्लैटिपस हो जाएगा, यस माय डियर, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति कारण होती है। अब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा कि जल में स्थायी कठोरता किस कारण हो रही है, तो कठोरता दो प्रकार की होती, कठोरता होती क्यों है, यदि पानी साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जल कैसा है, वो कठोर जल है ना, हार्ड वाटर है। और कठोरता जो होती है वो किस कारण होती है, वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट की वजह से होता है, यस बिल्कुल सही, है ना, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप, देखिए इनको, अब ये फर्स्ट टाइम नहीं रह जाएगा, इसके बाद हमेशा आप इनको ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर जो लोग कर रहे हैं वो समझ लेंगे कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्थायी कठोरता पूछा गया है। तो दो प्रकार की कठोरता होती है, एक होती है अस्थायी यानी कि टेम्परेरी और दूसरी होती है स्थायी यानी कि परमानेंट। जो अस्थायी होगी ये किस कारण होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के कारण, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है, ये ध्यान रखिएगा। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की कैसी कठोरता देते हैं, ये देते हैं आपको अस्थायी कठोरता। और कैल्शियम और मैग्नीशियम यदि मिल जाएंगे और ये इनके हमको क्या मिल जाए, इनके क्लोराइड्स मिल जाए, क्या मिल जाए, क्लोराइड्स मिल जाए और क्या मिल जाए, सल्फेट्स मिल जाए, तो फिर ये कैसी कठोरता देंगे, स्थायी कठोरता देंगे। तो यहाँ पर स्थायी पूछा गया है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा सोडियम तो नहीं रहेगा, मैग्नीशियम कैल्शियम के कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स नहीं रहेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि आपने बी पार्ट आंसर कर दिया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए क्या किसी को दिक्कत परेशानी, क्या किसी को समस्या, और यदि आपको लगता है कि आपको साइंस में दिक्कत है तो आप साइंस का स्पेशल बैच, जिसको हम लोग कह सकते हैं फाउंडेशन बैच, या कह सकते हैं साइंस का इंडिविजुअल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए बस आपको जिज्ञासा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और अपना बैच ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अब तो बी रहेगा ना, ये बात सबको समझ में आई अच्छे से। बताइएगा उबाल कर, यदि पानी को उबाल लिया जाए तो उबाल कर कौन सी कठोरता को दूर किया जा सकता है, ऑन बॉइलिंग, उबाल कर यानी कि बॉयल करके आप पानी की कौन सी कठोरता को दूर करेंगे, बॉइलिंग से कौन सी कठोरता दूर होगी, स्थायी या अस्थायी, स्थायी या फिर अस्थायी। ध्यान रखिएगा बॉइलिंग जो है ये कठोरता को दूर करने का एक अच्छा उपाय है, लेकिन इससे केवल केवल अस्थायी कठोरता दूर होती है, स्थायी कठोरता दूर नहीं होती है, अस्थायी कठोरता दूर करेंगे, है ना, दूर करने में इसका उपयोग करेंगे। जबकि स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आप परमुटेट मेथड लगाएंगे या फिर रेजिन मेथड लगाएंगे या फिर हम लोग कह सकते हैं आयन एक्सचेंज मेथड लगाएंगे, ठीक है, यस। और याद रखिएगा कि यही छोटी छोटी चीजें जो हैं आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आप वहां पर खुश हो जाएंगे कि हमारे सर ने बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया है, ठीक है। ओके ऋषभ कर लो भाई, अब आनंद सर कह रहे हैं तो कर लो आप, ठीक है, और थोड़ा सेशन को लाइक करते हुए चलो, सेशन को शेयर करते हुए चलो। कोई कण त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है, यानी कि जो कोई पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल पाथ ऑफ रेडियस आर, आफ्टर द कंप्लीटिंग द सेमी सर्किल इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी, पूछा गया है कि अर्धवृत्त पूरा करने पर इस कण का विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यस माय डियर, फटाफट आंसर कर देंगे।
एकदम आप सभी लोगों को राइट एंड राइट आंसर करना है। यस 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 ओके चलिए करके दिखाइए आंसर। लाइम सोडा प्रोसेस, डीमिनरलाइजेशन, आयन एक्सचेंज, यस 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 परमानेंट मेथड के। परमानेंट यानी कि स्थायी कठोरता को दूर करने के क्या हो जाएंगे, उपाय हो जाएंगे। टू आर। चलिए तो यहां पर देखिए अर्धव्रत जब पूरा करेगा, अर्धव्रत पूरा करेगा तो यहां से और यहां पहुंचेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा सर्किल पर चला है, और सर्किल पर चला है तो जो दूरी होगी वो कितनी हो जाती है, डिस्टेंस आपसे पूछ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, और यदि आपसे पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्यों लक्यूल कैसे पॉइंट पता होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, है ना। इनिशियल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की ओर जाएंगे, एक सीधी रेखा मिलाएंगे वो आपको हमेशा मिलेगी, एक सरल रेखा जो मिलेगी वो हमेशा मिनिमम डिस्टेंस मिलेगी दो पॉइंट्स के बीच में, या कह सकते हैं न्यूनतम दूरी मिलेगी, और उसी न्यूनतम दूरी की लंबाई निकालेंगे या न्यूनतम दूरी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट बनता है। क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट बनता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बनता है, विस्थापन बनता है। तो बताइए विस्थापन क्या हो जाएगा, तो आप कहते हैं जो विस्थापन है यहाँ पर जो बना है वो क्या बना है, वो रेडियस का डबल यानी कि व्यास है, यहाँ पर क्या है व्यास है, डायमीटर है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, टू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा। और यदि हमसे कोई डिस्टेंस पूछता तो हम जानते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल होता है 2 पाई आर, और हाफ करेंगे यदि सेमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, दूरी क्या हो जाती है, पाई आर। बताइए डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, यदि आपसे ये पूछा जाएगा तो क्या आंसर करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होता है। साइंस है, साइंस है, साइंस क्यों नहीं है, बिल्कुल है साइंस, लेकिन उस साइंस का और फाउंडेशन बैच के साइंस का अलग मीनिंग होगा। यहाँ पर जेपीएससी को टारगेट करते हुए पढ़ाया जाएगा, और वहां पर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीजें अलग अलग करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब एक टॉपिक बढ़िया से एक अच्छा समय लेकर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होता है, तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, केवल एक केस में बराबर हो जाएगा, केवल एक केस में बराबर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जब बॉडी क्या कर रही हो, रेक्टिलिनियर मोशन कर रही हो, रेक्टिलिनियर मोशन जब करेगी यानी कि सरल रेखीय गति करेगी, सरल रेखीय गति में, सरल रेखीय गति में इतना इंग्लिश चलेगा ना कि आप लोगों को और हिंदी बोलूं मैं, सरल रेखीय गति में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, ये भी बात बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ा कौन होगा, डिस्टेंस बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से हमेशा, लेकिन जब हम लोग सरल रेखीय गति देखेंगे तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, हाँ याद रखिएगा कि ये क्या है, स्केलर है, ये अदिश राशि है, और ये क्या है, वेक्टर है यानी कि सदिश राशि है। इसमें क्या होगा, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, जबकि इसमें केवल केवल क्या है, परिमाण है यानी कि मैग्नीट्यूड है। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके सब लोग समझ गए हैं तो एक बार थम अप कर देंगे, यदि सब लोग समझ गए हैं तो एक बार थम अप कर देंगे कि हाँ जी सर सबको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं और समझाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाइए, ठीक है। आप लोगों का जो आदेश शिरोधार्य होगा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बोलो 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 बच्चा, इतना क्लियर हुआ ना, यही समझने वाली चीजें हैं जो आपके पेपर में आपको नए क्वेश्चन की ओर या नए क्वेश्चन करने की ओर आपको प्रेरित करेंगी, ठीक है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाता है, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपीयर्स, विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट कंसिक्वेंस, यानी कि इनमें से कौन सा सही परिमाण होगा, इनमें से सही परिमाण कौन सा होगा। संदीप कुमार भगत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हुआ तो बताइएगा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जी का इफेक्ट किस पर देखते हैं हम लोग, मास पर देखते हैं कि वेट पर देखते हैं, तो आप कहेंगे सर वेट पर देखते हैं, क्योंकि वेट जो है एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, और फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। यहाँ पर जो वेट होता है वो ड्यू टू द ग्रेविटी होता है, इसलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है।
सीख जाओगे, सीख जाओगे, सब सीख जाओगे, ठीक है, पढ़ते रहो बस, इसको भी पढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू जीरो होने से, जी की वैल्यू जीरो होने से भार तो शून्य होगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। बताइएगा वेट का जीरो होना किस कंडीशन को बताता है, वेट का जीरो होना क्या कहलाता है। जब वेट जीरो हो जाएगा मास रिमेंस अनचेंज, यस बिल्कुल सही है, मास रिमेंस अनचेंज बिल्कुल सही है। जब बॉडी का वेट जीरो हो जाता है तो बॉडी जो है वो एक जगह पर नहीं रुकती है, क्या करती है, फ्लोट करने लगती है, बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है, और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस बोलते हैं, जो कि स्पेशली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्पेस में, अंतरिक्ष में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, स्पेस क्राफ्ट में मिलेगा, अंतरिक्ष यान में मिलेगा, जब जीरो हो जाएगी ग्रेविटी, है ना। जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो वेटलेसनेस कंडीशन आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं भारहीनता। क्या बोलते हैं बच्चे, भारहीनता बोलते हैं। गॉट इट और नॉट, वेट जो है वो वेक्टर है और मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेटलेसनेस भारहीनता, क्लियर 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 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट डिजोल्व मोर रैपिडली इन द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड देन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की अपेक्षा वो ज्यादा हीमोग्लोबिन के प्रति सक्रियता दर्शाता है, या हीमोग्लोबिन किसके प्रति सर्वाधिक सक्रियता दर्शाता है। टेल मी, पेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन, इनमें से आप किसे यहां पर आंसर करेंगी। तो सेवेंथ का आंसर मैं देख पा रहा हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर चल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड को ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन बहुत अधिक चाहता है, यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक चाहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को कितना चाहता है, डबल चाहता नहीं है, ट्रिपल नहीं चाहता है, 250 गुना अधिक चाहता है, इतना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को लव करता है कौन, हीमोग्लोबिन। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये कैसे मिलती है, ये मिलती है आपको ध्यान रखना है जो जीवाश्म ईंधन है उनके अपूर्ण दहन से, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से मिलेगा, ठीक है, ओके। और इस गैस को हम लोग एक नाम देते हैं दम घोटू गैस, क्योंकि जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है अन्य गैसें हीमोग्लोबिन उनको लेकर नहीं जा पाता है, और ये हमारे शरीर में हर जगह पहुंच जाती है, और ये ऑक्सीजन के लेवल को एकदम खत्म करके शरीर में ऐसी समस्या उत्पन्न करती है कि जैसा लगता है कि दम घुट जाएगा, अब मृत्यु ही हो जाएगी, इसको हम लोग दम घोटू गैस कहते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अमिशा, बिल्कुल सही आपने आंसर किया है, और इसी को हम लोग अंगीठी गैस ही बोलते हैं, क्योंकि अंगीठी जलाने से, दरवाजा बंद कर देना से, पूरा का पूरा कमरा अच्छे से क्लोज कर देने से हमको ये मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड अंगीठी गैस। क्या मिलेगी, अंगीठी गैस मिलेगी। बोलो क्लियर है और नॉट, क्लियर और नॉट। यहां पर बी और सी जो है ये है हमारे प्राथमिक प्रदूषक, क्योंकि ये आते ही तबाही मचा देंगे, ये जैसे ही कहाँ रहेंगे, इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसे ही प्रदूषण करने लगेंगे, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक हैं। जबकि पैन यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, और ओजोन ये सेकेंडरी पोलुटेंट्स हैं, द्वितीय प्रदूषक हैं, ये डायरेक्टली प्रभावित नहीं करते हैं, ये जब किसी के साथ क्या होते हैं, किसी के साथ कंबाइन करके कोई ना कोई कंपाउंड बनाते हैं तब जाके उसका प्रभाव देखने को आता है। पैन का फुल फॉर्म आपको बताना है। टेल मी, पैन का फुल फॉर्म आपको बताना है, PAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। यस ठीक बाना, सब कुछ बढ़िया बा, बोली बोली जल्दी से आंसर करी ना। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि पैन का फुल फॉर्म क्या होगा। ओजोन जब निचले परत में रहती है, ओजोन जब निचले परत में रहती है तो पोलुटेंट के रूप में काम करती है ये निचली परतों में, और जब ऊपरी परतों पहुंचती है तो ये पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच हो जाती है, पृथ्वी की वो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। निचली परतों में, निचली परतों में ओजोन के रहना एक प्रदूषक के रूप में, ठीक है। परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यस परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म हो जाता है, परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। और कोई मुझे बताएगा कि परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो जिस प्रक्रिया में बनते हैं उस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं।
पेरोक्सीस्टिल नाइट्रेट जो बनता है वो किस प्रक्रिया में बनता है, उसका नाम क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। बहुत बढ़िया, तब तो फिर हो गया फिर, है ना। अंगीठी गैस, पेरोक्सीस्टिल नाइट्रेट। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। मेरा प्रश्न है कि जो पैन है वो किस में बनता है? तो आप सभी लोगों ने सुना होगा स्मॉग। क्या सुना होगा? स्मॉग, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग भी, प्रकाश रासायनिक धूम्र भी। और फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनता है स्मोक प्लस फॉग से। किससे बनता है? स्मोक प्लस फॉग से बनता है, ठीक है। स्मॉग जो बनता है धुएं और कोहरे से बनता है स्मॉग, ये होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में मिलकर बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। और इसी को आप बोलते हैं लंदन धूम्र भी, लंदन स्मॉग भी बोलते हैं, है ना, लंदन धूम्र, ठीक है। तो लंदन धूम्र या फिर आप कहेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग, ये क्या है? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में परोक्सीस्टिल नाइट्रेट और ओजोन फॉर्मेल्डिहाइड बना देना, ये है स्मॉग, ये है आपका स्मॉग, फॉग प्लस स्मोक, याद रहेगा। यस माय डियर, बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर कर दिया इसका, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट से हम लोग कौन सी धातु प्राप्त करते हैं? क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ विच मेटल? बहुत बढ़िया। और जिन लोगों ने अभी तक बैच में इनरोल नहीं करा है, वो इनरोल कर लें, ताकि आपकी क्लासेस जो है वहां पर प्रॉपर रूप से जो चल रही है वो छूटे नहीं, और आप जो है थ्योरी पार्ट पर अच्छा कमांड करके यहां पर होने वाले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कवर कर सके, ठीक है। तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एंटीमनी, बेरियम या फिर आर्सेनिक या एल्यूमिनियम? तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का है। और एल्यूमिनियम के लिए जो सबसे अधिक हम लोग देखते हैं वो कौन सा आयरन, कौन सा ओर है? वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें जाने से पहले सोडियम को यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए मेन ओर क्या है? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जिसको हम लोग सरल नाम बोलते हैं NaCl, ठीक है। मैग्नीशियम के अयस्क के रूप में हम लोग जानते हैं कार्नेलाइट को, है ना, कार्नेलाइट या फिर बोलते हैं मैग्नेशाइट। ये कैल्शियम के, मैग्नीशियम के लिए है। कैल्शियम के लिए क्या है? लाइमस्टोन है और जिप्सम है। फॉर्मूला देख लीजिए, लाइमस्टोन का CaCO3 एंड जिप्सम का हो जाएगा CSO4 डॉट ट्वाइस H2O। जिंक का हो जाएगा जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन, कैलेमाइन कैलेमाइन कैलेमाइन, ठीक है, कैलेमाइन। ओके ओके ओके, क्लियर हो रहा है ना सबको? जितने लोग भी हैं पढ़ रहे हैं सेशन को, लाइक सेशन को शेयर करते हुए चलें, चीजों को समझते हुए चलें। लेड के लिए आप क्या करेंगे? गैलेना, जिसको बोलते हैं PbS, इसको और रखेंगे PbS, ठीक है। इसके बाद क्रोमाइट किसका अयस्क है? क्रोमियम का, आसानी से पहचान लेंगे। कैसिटराइट है ना, कैसिटराइट ये किसका अयस्क है? टीन का, टीन का सिंबल होता है SN, टीन का सिंबल क्या है? SN, ठीक है। मिलेराइट ये निकेल का, और सिनेबार ये बहुत पूछा जाता है, सिनाबार है ना, ये बहुत बहुत पूछा गया है कि सिनाबार जो है ये किसका अयस्क है? मरकरी का अयस्क है। इसको आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बताइए सबको दिख रहा है ना, इतना आपको याद रखना। गैलेना, बहुत बढ़िया, सीसा, सिनेबार 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 सिनेबार, मरकरी का। यस माय डियर, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर्स को यदि आप खोल देंगे उसका दरवाजा, तो क्या इफेक्ट देगा? इफ द डोर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर कीप्ड इन द रूम आर लेफ्ट ओपन, यदि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोल दिया जाता है तो बताइएगा क्या इफेक्ट आने वाला है, क्या इफेक्ट आने वाला है? खुशबू, आप भी थे ना क्लास में? खुशबू, आप भी थे ना सुबह वाली क्लास में? तो बताइएगा कि क्लास में आपको कैसा लगा, आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा, चीजों को समझा, अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से काम किया गया ना? यस, नाइन्थ का आंसर क्या है? सी है। यदि आप कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोल देते हैं तो जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, रेफ्रिजरेशन साइकिल, वो क्या हो जाती है? रेफ्रिजरेशन साइकिल इनकम्प्लीट हो जाती है। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है ये क्या हो जाएगी? इनकम्प्लीट हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी, और फिर जो कूलिंग इफेक्ट है वो नहीं हो पाएगा, और जो रेफ्रिजरेटर के पीछे रखा हुआ है कंप्रेसर, उससे क्या, उसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, जिससे कमरे का जो ताप है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, कमरा गर्म हो जाएगा, है ना, कमरा
कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो बोलो क्लियर है सभी को इतनी बात, अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोलोमीटर मापन की कैसी युक्ति है। आपके पेपर में एक हमेशा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग डिवाइस से जरूर क्वेश्चन पूछा गया है। अब तक यदि प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपका पेपर यहां से जरूर बन, मतलब यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, बोलोमीटर मापन की कैसी युक्ति है। चल बोलोमीटर से आप क्या मापेंगे, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। सीएफसी गैस का हम लोग यूज करते हैं, सबसे खतरनाक सीएफसी कौन सी है, क्या हो जाती है, फ्रियोन हो जाती है। ठीक है, यस, करिए आंसर फटाफट। बोलोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, तो ध्यान रखिएगा थर्मल रेडिएशन मेजर करते हैं। थर्मल रेडिएशन, प्रेशर मेजर करना है, अब किसका प्रेशर मेजर करना है, यदि आपको प्रेशर मेजर करना है तो आप इसके लिए यूज करते हैं मोनोमीटर, क्या यूज करते, सॉरी मैनोमीटर यूज करते हैं, मैनोमीटर यूज करते हैं। और यदि आपको एटमोस्फियर का या फिर एयर का, एयर या फिर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं बैरोमीटर, क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर यूज करते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए आप किसका यूज करते हैं, क्रेस्कोग्राफ का यूज करते हैं, क्रेस्कोग्राफ का यूज करते हैं, या फिर आप यूज करते हैं ऑक्सीनोमीटर का, किसका यूज करते हैं, ऑक्सीनोमीटर का यूज करते हैं, ऑक्सीनोमीटर का यूज करते हैं। थर्मल रेडिएशन हो गया आपका बोलोमीटर, और विंड स्पीड के लिए क्या यूज करते हैं, एनीमोमीटर का यूज करते हैं, एनीमोमीटर का, है ना। एनीमोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ सब कुछ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए। यस, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करने वाले आपको क्या करने हैं, प्रोसेस छांटने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज। फटाफट खटाखट आंसर कर दीजिए, मेक इट फास्ट। रेडिएशन के लिए पायरिलियोमीटर, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर, फटाफट बोल दीजिए। तो देखिए, लोहे का चुंबकन, द्रव का संघनन, ईथर का ज्वलन और लोहे में जंग लगना। लोहे का चुंबकन का मतलब है लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होगा, मेटाइजेशन ऑफ आयरन। ठीक है, तो यदि आप लोहे को चुंबक की ओर लेकर जाओगे तो आकर्षित होगा, चुंबक को यदि लोहे से दूर करोगे तो फिर क्या होगा, नहीं आकर्षित होगा। यानी कि ये क्या है, ये आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, द्रव का संघनन, कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड, है ना, जो गैस है वो ठंडी होने पर द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। ज्वलन से बर्निंग हमेशा प्रोसेस क्या रहेगा, ये आपका केमिकल चेंज रहेगा। और जंग लगना, ये भी आपका केमिकल चेंज रहेगा। तो यहाँ पर आपको 3 और 4 को कर देना है राइट आंसर, जो कि सी पार्ट में है। यही तो है केमिकल, यही तो है क्या, केमिकल है 3 एंड 4, है ना। लोहे में जंग लगने में लोहे का भार क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, बताइए सभी लोग। ओके ओके गौतम जी, ओके ओके, बताइए। लोहे में जंग लगना यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, लोहे में जंग लगना, इससे क्या होगा, इससे वेट जो है वो इंक्रीज करेगा, आयरन का वेट ऑफ आयरन इससे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, नो इफेक्ट, और हम बता नहीं पाएंगे, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, पता नहीं क्या होना चाहिए। वर्निंग ऑलवेज केमिकल, बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, टेल मी व्हाई दिस हैपन, क्यों बढ़ जाता है, लोहे का भार जो है क्यों बढ़ जाता है। पहले लोहा अकेले था, पहले लोहा क्या था, अकेले था, अब लोहे के साथ आयरन के साथ कौन हो गया है, आयरन के साथ ऑक्सीजन और आयरन के साथ नमी भी आ गई है। पहले कोई अकेले था, अब डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है, परिवार बढ़ रहा है, तो बताइए उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, भार उसका बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, यस और नो। ठीक है, बताइए इस प्रोसेस को, लोहे में जंग लगना, ये जो प्रोसेस है ये किसके अंतर्गत आता है, ये क्रोजन के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, क्रोजन के अंतर्गत आता है। स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है, क्रोजन, जिसको आप बोलते हैं संक्षारण, क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। ठीक है, यस, वाई दिस कोलाबेरिटी, बहुत बढ़िया, शान। नेक्स्ट,
द्रवित ब्यूटेन यानी कि लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का जो मिक्सचर है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है? प्रोड्यूसर गैस है, नेचुरल गैस है, एलपीजी है या फिर कोल गैस है? फटाफट खटाखट यस माय डियर कर दीजिए आप लोग राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, यस 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 फटाफट यस। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, नेचुरल गैस में क्या होता है, एलपीजी में क्या होता है, कोल गैस में क्या होता है, ये सबको आपको बताना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन जो है यानी कि विद्युत लेपन और गैल्वेनाइजेशन यानी कि जस्त जस्ता या बोलते हैं यशद लेपन, यशदीकरण, ये दो प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कोरोजन से बचाते हैं। बहुत बढ़िया गौतम, वेरी वेरी नाइस। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम लोग जड़न की परत चढ़ा देते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक, यस। तो यहाँ पर एलपीजी आपने आंसर किया बिल्कुल सही, एलपीजी, एलपीजी। चलिए नेचुरल गैस में आपको क्या मिलने वाला है ये आप बताइएगा, प्रोड्यूसर गैस में आपको क्या मिलने वाला है, कोल गैस में आपको क्या मिलने वाला है, फटाफट खटाखट। नेचुरल गैस में आपको क्या मिलने वाला है, प्राकृतिक गैस में आपको क्या मिलने वाला है? प्रोड्यूसर गैस में रहेगा क्या, रहेगा सीओ प्लस एन टू, प्रोड्यूसर गैस में रहेगा सीओ प्लस एन टू, कोल गैस में क्या रहेगा, CO प्लस एच टू, है ना, कोल गैस में क्या रहेगा, CO प्लस एच टू और रहेगा मीथेन CH4। एक आपसे और पूछता है कि वाटर गैस में क्या रहना है, वाटर गैस में क्या रहना है, फटाफट खटाखट बताइए वाटर गैस में क्या रहेगा। ओके ओके ओके, नेचुरल गैस में CH4 मीथेन, ओके ओके, N2CO बिल्कुल सही आंसर आया है प्रोड्यूसर गैस में, और कोल गैस में CO प्लस एच टू प्लस CH4। वाटर गैस बताइए, जल गैस बताइएगा, जल गैस बताइएगा, ठीक है, और फिर नेचुरल गैस बताएंगे। फटाफट आंसर करिए नेचुरल गैस में और जल गैस में क्या क्या मिलने वाला है। तो यहां पर CO प्लस एस टू रहेगा, CO प्लस एस टू रहेगा, नेचुरल गैस में क्या रहेगा, मीथेन रहेगा, CH4 रहेगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो माइंस होती हैं, कोल माइंस होती हैं, उनमें कोल माइंस में क्यों आग लग जाती है, कोल माइंस में कौन सी गैस ऐसी निकलती है जो आग लग जाती है, अच्छा बायोगैस में कौन सी गैस मिलेगी ये भी पूछा गया है, जो बायोगैस है या फिर जो गोबर गैस है, ठीक है, बायोगैस या गोबर गैस है उसमें कौन सी गैस मिलने वाली है ये आपको बताना है। सेशन को लाइक करते चलिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर गलत बात है, लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्या होना है इसका आंसर फटाफट देखिए जल्दी से। तो कोल माइंस में जो आग लगने का रीजन है वो यही है कि वहां पर आपको मीथेन गैस मिलेगी, क्या मिलेगी, मीथेन गैस मिलेगी, ठीक है। बायोगैस और गोबर गैस में भी आपको मिलने वाली है मीथेन गैस, बायोगैस और गोबर गैस में भी आपको क्या मिलने वाली है, मीथेन गैस मिलने वाली है। बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को हम लोग रक्तदाब कहते हैं? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, किसको आप ब्लड प्रेशर, मतलब कब आप ब्लड प्रेशर कहेंगे, किस दाब को आप ब्लड प्रेशर कहेंगे, कहां पर पड़ने वाले दाब को आप ब्लड प्रेशर कहेंगे? अंकिता बिल्कुल गुड इवनिंग, आप बताओ लेट क्यों हो गए, और दूसरी बात आपने बैच में इनरोल कर लिया है कि नहीं कर लिया है, ठीक है, यस और नो। तो यहां पर देखिए हार्ट, वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, इसमें से यदि हम कहें कि अलग करना है तो किसको अलग कर दिया जाएगा, हार्ट को अलग कर दिया जाएगा, वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज ये सबकी सब क्या है, ये सबकी सब ब्लड वेसल्स है, ये सबकी सब क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, जिनको आप बोलते हैं क्या, जिनको आप बोलते हैं रुधिर वाहिनियां, क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिनियां बोलते हैं, वाहिनियां या रुधिर ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनियां बोलेंगे। अब इनमें जो सबसे मोटी होती हैं, थिक होती हैं, ये होती हैं, थिक ये होती हैं, और थिनेस्ट कौन सी होती हैं, ये होती हैं, थिनेस्ट होती हैं, सबसे एकदम बिल्कुल पतली पतली होंगी। वीन्स जो होती हैं, सिराएं जो होती हैं, कैसे रक्त को लेकर बहती हैं, इनमें कैसा रक्त बहता है, CO2 रिच ब्लड बहता है ना, CO2 रिच ब्लड बहता है। एक्सेप्शन यहां पर बताइएगा, एक्सेप्ट कौन है जिसमें कि CO2 रिच ब्लड नहीं बहता है। जो आर्टरीज होती हैं, इनमें क्या होता है, O2 रिच ब्लड बहता है, एक्सेप्ट
ओटो रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीडेटेड ब्लड या कह सकते हैं प्योर ब्लड, एक्सेप्ट कौन सा है जिसमें कि नहीं बहेगा ओटो रिच ब्लड, ये कई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पतली कौन होंगी, कैपलरीज, जो अंग होते हैं उनके अंदर कैपलरीज होती हैं जो कनेक्ट करती हैं वीन्स को और आर्टरीज को। यस बताइए 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 मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है, आंसर करते चलिए, अच्छे से सीखते चलिए, बताते चलिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है, कब करोगे लाइक, कब करोगे सेशन को शेयर और लाइक। तो यहां पर देखिए वीन्स में CO2 रिच ब्लड बहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन जो है इसमें क्या होगा, फुफ्फुस सिरा बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। फुफ्फुस सिरा में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। और ये कहाँ से कहाँ जुड़ी होती है, पल्मोनरी जो वीन है ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट रहती है, कोई मुझे बताएगा पल्मोनरी वीन का कनेक्शन कहाँ से कहाँ रहता है, ये क्वेश्चन बनता है हमेशा पेपर में। ये क्यों, ये हो गया। और यहां पर भी एक्सेप्ट किसको करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे पल्मोनरी, एक्सेप्ट करेंगे पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी में शुद्ध रक्त नहीं बहेगा, अशुद्ध रक्त बहता है, ये कहां से कनेक्ट रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि पल्मोनरी वीन का कनेक्शन जो है ये है कहां से, ये लंग्स यानी कि फेफड़े एंड जो चैम्बर होता है कौन सा, लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बायां आलिंद, क्लियर। और पल्मोनरी आर्टरी कनेक्शन कहाँ से है, ये है आपका राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, यानी कि दाएं निलय से लंग्स के बीच में। क्या सबको समझ में आया, क्या ये बात सबको समझ में आ गई है, एक बार बता दो जल्दी से, एक बार बता दो कि ये बात क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग किस रक्तदाब को, हम लोग किस रक्तदाब को बोलते हैं, किस पर पड़ने वाले दाब को हम लोग रक्तदाब बोलते हैं, धमनियों में पड़ने वाले दाब को हम लोग रक्तदाब बोलते हैं, क्लियर। अच्छा कितना होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कितना होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कितना होता है, ये होता है 120 ऊपर रखते हैं 80 नीचे रखते हैं, MM of Hg होता है, MM of Hg होता है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि जो ब्लड प्रेशर होता है किससे मेजर किया जाता है, डिवाइस का नाम बताना है, ब्लड प्रेशर मेजर करने की डिवाइस, ब्लड प्रेशर मेजर करने की डिवाइस बताना है आपको, ब्लड प्रेशर मेजर करने की डिवाइस कौन सी होगी। 80 नहीं रखेंगे ऊपर, उत्तम जी गलत हो जाएगा, 120 के ऊपर रखते हैं। और इनमें ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, क्लियर ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यदि 120 में से 80 घटा देंगे तो 40 mm आएगा, 40 mm of Hg को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल पल्स प्रेशर, क्या बोलते हैं, नाड़ी दाब बोलते हैं, नाड़ी दाब बोलेंगे, ठीक है ना, नाड़ी दाब। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, बहुत बढ़िया, स्फिग्मोमैनोमीटर इज द राइट राइट राइट, है ना। और स्फिग्मोमैनोमीटर में कौन सा लिक्विड मेटल भरा होता है जो हमें क्या करता है, जो दाब की कह सकते हैं सूचना देता है, दाब के घटने बढ़ने को बताता है, वो होता है Hg यानी कि मरकरी पारा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी है जो नियत तापी है, नियत तापी का मतलब है जो अपने शरीर के ताप को वातावरण के अनुरूप घटाता बढ़ाता नहीं है, हमेशा एक जैसा रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, क्या बोलते हैं हम लोग, वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। बताइएगा इनमें से कौन है जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, बताइए, अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है, यस मरकरी होता है, मरकरी पारा Hg, है ना, Hg। वार्म ब्लडेड एनिमल शार्क है, स्नेक है, बैट है या लिजार्ड है, तो ध्यान रखिएगा शार्क जो है ये क्या है, मछली है, सार किस में आता है, मत्स्य वर्ग में आता है, फिश में आता है, ठीक है। स्नेक जो है वो किस में आता है, सरीसृप है, रेप्टाइल में आएगा, सरीसृप है, रेप्टाइल्स आता है, रेप्टाइल्स, ठीक है। वेट जो है किस में आता है, रेप्टाइल्स में आएगा, वेट क्या है, ये है आपका, अच्छा लिजार्ड भी क्या है, सरीसृप है, वेट किस में आता है, वेट किस में आता है, मैमल्स में आता है। और जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ये नियत तापी होते हैं यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल होंगे, तो सी पार्ट इज द राइट, सी पार्ट इज द राइट हो जाएगा।
किसने आंसर किया सी, जिसने आंसर किया मेरी तरफ से लाइक ले लो अपने लिए, लाइक ले लो अपने लिए। अच्छा क्वेश्चन मुझे बताएगा कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ फिशेस क्या कहलाएगा, रेप्टाइल्स की स्टडी क्या कहलाएगी, ठीक है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स क्या कहलाएगी, स्नेक को यदि हमें अलग से पढ़ना हो तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगी। एक साथ कई क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होते हैं, उन पर आप लोग कमांड करिए, जल्दी से आंसर करिएगा। मैमल जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है, वेट्स हैं, जमगार्ड जो हैं ये अपने रास्ते को अंधेरे में या शिकार से कैसे बच लेते हैं, ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन भी लेते हैं। पराश्रव्य ध्वनिया जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ठीक, बहुत बढ़िया। इक्तियोलॉजी क्या बात है, स्टडी क्या कहलाती है, इक्तियोलॉजी कहलाती है, इक्तियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेज, है ना, इक्तियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेज हो जाती है, ये हो जाएगा इक्तियोलॉजी, बहुत बढ़िया। रेप्टाइल्स की स्टडी क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं, हर्पेटोलॉजी हो जाएगा, हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। और स्नेक की स्टडी स्टडी करनी है हमको तो हम लोग बोलते हैं सरपेंटोलॉजी, क्या बोलते हैं, सरपेंटोलॉजी हो जाएगा, सरपेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स। ओके बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, यस कर लेंगे, कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट देखिएगा क्या है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन में आने से पहले देखिए यहाँ पर जो वर्टिब्रेट्स हैं जो कशेरुकी हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मिलेगी, कशेरुकी हैं उनको हम लोगों ने दो पार्ट में बांट रखा है, एक वार्म ब्लडेड और दूसरा कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड को हम लोग बोलते हैं नियत तापी, इनके शरीर का जो ताप है वो वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है, और जो कोल्ड ब्लडेड है इनको हम लोग बोलते हैं विषम तापी। तो देखिए वार्म ब्लडेड में यानी कि समतापी में होमियोथर्म में कौन कौन आ रहा है, मैमल्स आ रहे हैं, स्तनधारी आ रहे हैं, मैमल्स आ रहे हैं, स्तनधारी आ रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स आ रहे हैं यानी कि पक्षी आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं यानी कि कौन आ रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं, फिश रेप्टाइल्स एम्फीबियंस यानी कि मछली मत्स्य, ठीक है, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, क्लियर हो रहा है, दिख रहा है ना सबको अच्छे से, और एम्फीबियंस यानी कि मगर, सॉरी एम्फीबियंस मतलब उभयचर, उभयचर जो थल और जल दोनों में रहते हैं ये हो जाते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कौन हो जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो जाते हैं, ये नियत तापी नहीं रहेंगे। वर्ड्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स की स्टडी को भी बता दो आप सब लोग, वर्ड्स की स्टडी को आप क्या बोलते हैं, वर्ड्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी तभी तो जो पक्षी वैज्ञानिक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, है ना, ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ वर्ड्स। ठीक ओके नेक्स्ट, ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में कब तक बना रहता है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में कब तक बना रहता है, ठीक है बताइए, 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड या फिर 1/2 सेकंड, बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। यस माय डियर आंसर करना बिल्कुल ना भूले, आप सभी लोगों के एकदम राइट आंसर होने चाहिए, अब तो आप बड़े हो गए हो, अब आप लोग जो है वो एक लेवल ऊपर चल रहे हो, अब बिल्कुल सब कुछ सही होना चाहिए, करिए 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 आंसर। 15 का आंसर क्या है, बी है, 1/10 सेकेंड ना, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, भोजन में पाचन का जो क्रम है ना, उसमें जो प्रक्रियाएं हैं उनको आपको बताना है, भोजन में पाचन में शामिल प्रक्रियाओं का सही क्रम, ठीक है बताइए फटाफट जल्दी से, भोजन में पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज, करिए 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 आंसर करिए, और जो लोग लाइक नहीं करेगा उसको सेशन फलेगा नहीं, आप समझ लीजिएगा, लाइक तो करते रहना है आपको, लाइक करते रहना है, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर आंसर। तो सबसे पहले हम लोग इंजेशन करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर डिफिकेशन होता है, पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण,
फिर स्वांगीकरण और फिर क्या होता है, निष्कासन होता है। यस माय डियर यस। इंजेशन सी में कहा लिखा है, डी में लिखा है, डी में लिखा है इंजेशन। इंजेशन फिर आएगा आपका डाइजेशन, फिर आएगा आपका क्या एब्जॉर्प्शन, फिर आएगा एसिमिलेशन और फिर आएगा डिफिकेशन। तो क्या हो जाएगा, डी लग रहा है। डी कैसे लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो क्यों 16 का सी कर दियो हो, वो तो मैंने आपको कह दिया था ऐसे ही, है ना। 16 का सी कौन कर रहा है, डी होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाती हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त रूप से मिलने वाली हैं। यस यस यस, खटाखट फटाफट। तो जो क्या होंगी, जो लीस्ट रिएक्टिव होंगी, जो किसी से भी क्रिया नहीं कर रही होंगी, वही तो प्रकृति मुक्त रूप से मिलेंगी। वही तो प्रकृति में क्या होंगी, मुक्त रूप से मिलेंगी। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक याद किया हुआ है काशीनाथ का, माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है, आगे आओ, कौन है आगे आओ, यानी कि कॉपर एजी एयू, कॉपर एजी एयू। और यहां पर आप पीटी भी रख देंगे तो एजी पीटी एयू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है क्या एजी पीटी एयू, यस है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम हो जाएगा बी पार्ट आंसर। ये क्या है, सबसे कम सक्रिय धातुएं हैं, यानी कि लीस्ट एक्टिव मेटल कहलाते हैं, जिनमें कि सबसे लीस्ट एक्टिव कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड जो है वो लीस्ट है, लीस्ट 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 एक्टिव मेटल। क्लियर है, लीस्ट एक्टिव मेटल हो जाता है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो गलत स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फटाफट छांट लीजिए, फटाफट छांट लीजिए आप लोग, जल्दी से सेशन को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन का आंसर कर डालिए। केरोसिन का उष्मांन कोयले के उष्मांन से अधिक होता है। यदि केरोसिन का उष्मांन देखा जाए, यानी कि मिट्टी के तेल का यदि उष्मांन देखा जाए, तो कितना होता है, 50,000, नहीं 45,000, 50,000, 45,000 किलो जूल पर केजी होता है। उष्मांन को हम लोग नापते किससे, मतलब किससे मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं हम लोग किलो जूल पर केजी से। ठीक है, और कोयले का कितना होता है, कोयले का होता है 25,000 से लेकर 33,000, 25,000 से लेकर कितना होता है, 33,000 किलो जूल पर केजी होता है। तो ये बात तो क्या हो गई, गलत हो गई। केरोसिन का उष्मांन कोयले के उष्मांन से अधिक होता है, हाँ ये बात सही हो गई है ना, हमको गलत स्टेटमेंट पहचानना है। केरोसिन का उष्मांन कोयले के उष्मांन से अधिक होता है, बात सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोग सीख गए हो, मनीष सिद्धार्थ बी पार्ट आंसर की हो। देखते हैं, कोयले का उष्मांन लकड़ी के उष्मांन से अधिक होता है। लकड़ी का उष्मांन कितना होता है, लकड़ी का उष्मांन लगभग हम लोग बताते हैं 17,000 के राउंड होता है, 17,000 किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, 17,000 किलो जूल पर केजी होता है, ओके। और कोयले का आपने 25,000 से 33,000 बताया, तो कोयले का उष्मांन लकड़ी के उष्मांन से अधिक है, ये भी बात सही है। बायोगैस का उष्मांन एलपीजी के उष्मांन से अधिक होता है, एलपीजी का होता है 55,000, एलपीजी कितना होता है, 55,000 किलो जूल पर केजी होता है, जबकि बायोगैस का कितना होगा, इसका लगभग रहना चाहिए 35 के राउंड, 35 के राउंड होना चाहिए बायोगैस का, 35, यस 35 से 40,000, 35 से कितना है, 40,000 है, यस 35,000 से लेकर 40,000 किलो जूल पर केजी। क्लियर, और सीएनजी का उष्मांन, सीएनजी का उष्मांन डीजल के अच्छा बायोगैस का, तो ये बात गलत हो जाती है, तो आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, यस सीएनजी का उष्मांन डीजल के उष्मांन से अधिक है, यस सीएनजी का 50,000 हो जाएगा, 50,000 किलो जूल पर केजी, और डीजल का कितना होता है, डीजल का हो जाता है आपका 45,000 किलो जूल पर केजी। ये बात समझ में आई सबको कि इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है और कैसे है। कैलोरीफिक वैल्यू को आप याद कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए, यहाँ पर सारी की सारी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, ये हाइड्रोजन की होती है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को सबसे स्वच्छ ईंधन कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीनेस्ट फ्यूल। क्यों, क्योंकि तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उससे पॉल्यूशन उतना ही क्या होगा, लीस्ट होगा, उससे पॉल्यूशन उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जिससे पोल्यूशन जितना ही कम होगा, वो फ्यूल उतना ही अच्छा माना जाएगा, फ्यूल स्टैंडर्ड माना जाएगा, बेहतरीन माना जाएगा। ठीक है,
हो गया कि नहीं सब लोग बताइए, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टेक्स वाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड स्टोर्स इट इन द गॉल ब्लैडर। करिए फटाफट जल्दी से। आप लोग देख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके बेहतरीन क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सी अग्नाशय। और लोग बताएं, पेनक्रियाज अग्नाशय। आहार नाल का कौन सा भाग है जो क्या कर रहा है, जो पित्र यकृत से बनने वाले पित्तरस को प्राप्त करके पित्ताशय में संचित करता है। फटाफट देखिए जरा कितने लोग हैं इसका जो सही आंसर देंगे। गलत भी हो सकता है आप लोगों के आंसर, ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा पार्ट है, आप मुझे बताइए, क्या एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो आप अग्नाशय आंसर कर रहे हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, टेल मी, इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान से आंसर करिएगा, आहार नल का कौन सा भाग है जो कर रहा है क्या पित्तरस को यकृत से पहुंचा, यकृत से लेकर उसे पित्ताशय पहुंचाता है? स्टमक नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पर ध्यान रखिएगा, अग्नाशय जो है इट इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पेनक्रियाज इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और जैसे ही आप इसको आंसर कर रहे हैं वैसे ही गलत हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट, छोटी आंत क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, किसी वस्तु की, इसको समझ पाए कि नहीं? यदि ये क्वेश्चन गलत हुआ हो तो कल फिर मैं कोशिश करूंगा इसको बताने की, समझाने की, ठीक है। और आपका टाइम हो चुका है 9 बजे का, तो आई होप कि अभी मैं इतना ही रखता हूं, फिर आप लोगों से कल इसके आगे क्वेश्चन करूंगा और 19 क्वेश्चन को मैं फिर से कराऊंगा, ठीक है। और यदि आपने क्लास को देख लिया है, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो आप जिज्ञासा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप सभी लोग क्या कर सकें, अपने बैचेस में पहुंचकर अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। क्लास के लिए कितना स्टार्ट देंगे आप यहां पर बताइएगा, और आप सभी लोगों को पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए, दोनों पेपर के लिए, प्री के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। आपको साइंस का बैच भी अवेलेबल है यदि साइंस में दिक्कत हो रही हो, कंप्यूटर का बैच भी अवेलेबल है, और जीएस रीजनिंग का बैच भी अवेलेबल है, झारखंड जीएस का बैच भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। ओके हाँ, स्पॉन्टेस्टाइन में डेडुनम जुड़ा होता है, यस। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, आई होप कि चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और जहां पर भी आपको कोई डाउट लगे वो आप जरूर पूछिए। चीजें आपके साथ हमेशा बेहतरीन होनी चाहिए, होती आई हैं और होती रहेंगी, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए यहीं तक रखते हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, क्लास के बाद कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करिए, आप लोग आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं ये सही नहीं है, कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बैच में इनरोल करिए जिससे कि आपको कोई भी क्लास छूटे नहीं, और समय रहते हुए आप चीजों को अच्छे सीख जाएं, ताकि पेपर निकालना आपके लिए आसान हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।